हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और ये एक्सरसाइज 10.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कोर्ड्स सेंटर पर बराबर बराबर एंगल बनाएं तो प्रूव करो कि वो कोर्ड्स आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो सर्कल हैं, एक का सेंटर है ओ और दूसरे का सेंटर है ओ डैश। ठीक है, इसकी जो कोर्ड है वो है ए बी और जो इसकी कोर्ड है वो है पी क्यू। ठीक है, ए बी ने सेंटर पर जो एंगल बनाया उसको नाम देते हैं एंगल वन और जो पी क्यू ने सेंटर पर एंगल बनाया उसको नाम दे देते हैं एंगल टू। तो हमें पता है कि एंगल वन एंगल टू के बराबर है, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। ठीक है, तो हमें गिवन है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या गिवन है, इसके अलावा हमें गिवन है एंगल जो वन है वह बराबर है एंगल टू के, क्योंकि इनकी कॉर्ड सेंटर पे बराबर एंगल बनाती है। हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। अब टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स आपस में बराबर है, मतलब हमें ए बी को बराबर शो करना है पी क्यू के। ठीक है, अब देखिए प्रूफ। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू, पी ओ डैश क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए जो ए ओ है, ए ओ बी का ए ओ, वो बराबर होगा पी ओ डैश के। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये दोनों जो सर्कल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं और कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस आपस में बराबर होती हैं, तो ये किसके बराबर होगा, इसके। तो इसका हम रीजन लिखेंगे रेडियस या रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से जो ये ट्रायंगल है इसका जो साइड है ओ बी वो बराबर होगा इसके ओ डैश क्यू के। रीजन फिर से सेम, ठीक है, क्योंकि ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस है और एंगल वन जो है वो बराबर होगा एंगल टू के। ठीक है, ये क्यों लिखा हमने, ये हमें गिवन था। अब हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू के। ठीक है, पी ओ डैश क्यू। अब यहां पर साइड एंगल साइड कैसे पता लगता है हमें, यहां मत देखो कि साइड है फिर एंगल है, तो साइड साइड एंगल होना चाहिए, ये हमें पता लगता है फिगर को देख के। फिगर में अगर आप देखें तो आप किसी भी एक ट्रायंगल को ले लें, ये वाले ट्रायंगल का ये रहा साइड, बीच में एंगल आ रहा है और फिर किनारे पे साइड आ रही है, तो ये जो हमें पता लगता है, हमने यहाँ कैसे लिखा है उससे नहीं पता लगता, फिगर से पता लगता है। ठीक है ना, फिगर में साइड किनारे पे है, फिर साइड किनारे पे है और बीच में एंगल है, इसीलिए साइड किनारे पे और बीच में एंगल। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी बराबर पी क्यू, तो इसका आप साइड ले लो ए बी, शुरू का और लास्ट का है तो इसका भी शुरू का लास्ट का ले लो पी क्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, शुरू का लास्ट का लिया तो इसमें भी आपको शुरू का और लास्ट का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर है तो हम इसको लिखेंगे बाई सी पी सी टी, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2 क्लास 9th का। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।